सर्दी रो टाइम हो बनावड़ी चीजा खराब होए को दो तीन दिन री राखोड़ी थचियोड़ी ठेचो वे जो खिचड़ी ना तो साग ना कड़ी ना दाल ना रोटी कुछ भी नहीं बिठे खाली परोसी काई खिचड़ी अब हुरिया लाई ओंदला आत करे नरसी जी ओ हीरो ए ओ ओ नरसी जी हीरो तो एडो ठंड ठंड कछ कछ दोबे को नरसी जी लाफी ए ओ ना लापसी एडी को वे निया तो ठंडी ठंडी कछ कछ आतरे चिपके घी कमे ओ नरसी जी मन में केवे अबे आपन मारदारो रे कूण लापसी करे कूण थाने हीरो करे खीचड़ी है ठंडी खीचड़ी ओ नरसी जी आ की कर खाऊं साग पात की कोनी अपने थोड़ी खावनी है तो पहली तो इन्हें खिलावनी है ओ भेड़ो आयो है नी ओ खाई तो अपन ही खा ले कौन क्योंकि नरसी भोग लगाए बिना खावता कोनी जो ठाकुर जी ने अगर मूर्ति है तो अच्छी बात अगर कोई सुविधा में नहीं है तो जीवन में पहली एक बार जरूर अंतर मत में कह दो अरोग दीनानाथ भोग लगाओ पचे देखो वो तो खुद चटकोड़ो है जेड़ा तेड़ा हुए नहीं भावे को नहीं कहवे नहीं के दुर्योधन के मुझे मेवा भाए नहीं भीलनी का मुझे भोलापन भागा भाव में तो विद्रोही रा केले रा छिलका ही खाए जावे भीलनी रा बोरी खाए जावे पर बिना भाव तो एडी दुर्योधन रा जो छप्पन भोग त्याग दिया वो ये श्रीरंग रे थेचो खिचड़ो क्यों खाई जी में भाव ही नहीं और कहो दल तुर तुलसी अर्पण करी आरोगो बल भी भाई भावे तो खाए ले मैं आई जे दर तुलसी अर्पण करी आरोगो बलबीर अर गर्म हो गई खीचड़ी चावल बने गया खीर अर साग पात सरसा हुआ पापड़ और पितोड़ साग पास सरसा हुआ पापड़ और पितोड़ और सतरस भोजन हो गया जने आरोग्य हरण छोड़ ओ आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी उठारो नरसी लो करे छप्पन हार जी आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी हारो नरसी लो करे पुकार जी हारो नरसी लो करे पुकार जी जाके आज मोर श्याम जाके आज मोर श्याम जाके आज मोर श्याम जाके आज मोर श्याम बच गया पूरा थोड़ी होना ही चाहिए तो फटाफट भोग जब भगवान लगाए तो सब अरोगियो और अरोगन रे बाद उतर तो थाल भरियोड़ा पड़िया और कर बुरा तो हो बुरा दूजे रे खाडो खोदा तो आप ही पड़ा अब श्रीरंग जी रे मेहमान आयोडा वे तो लापसी चावल दाल जी में ए छप्पन भोग जी में जो को रिश्तेदार रिसा मिल गया खुद रे सगे रे तो छप्पन भोग और मने लापसी चावल दाल मैं कौन खाऊं ओ मैं कीकर कहवे कि यार तो खीचड़ी दी थी इज्जत रो कचरो हुए तो कहो यार ये लापसी चावल दाली जा पर तो टूना गारो है बदल दिया और जोरदार जी में हमें पेट घणो भरी जियो हुरिया कहवे ओ नरसी जी ओ पेट भाटे पोणी में जगह कोनी तो हालो अंजार देखियो कोनी हाल थोड़ा घूमिया बाजार जोया और पेट ठीक हो जाए अब लेनो लेड़ निकलिया अंजार में घूमे
बजो राधे गोविंद 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 राधे गोविंद बजो राधे गोविंद बजो राधे गोविंद अब निज को गांव पूरे में फैल गई बात दौड़ तो एक कोई श्रीरंग जी रो आदमी आयो श्रीरंग जी को थर तो इज्जत रो कचरो होवे मोडिया लियोडो राधे गोविंद करे अब भगवान रो नाम लेवण कोई कचरो होवे लेकिन महिमा समझ नहीं आवे संसारियों ने। और जब श्रीरंग जी तक बात पहुंची तो श्रीरंग जी कहो कि जाओ मेरे कान में एक मंत्री ने कहो तू जा और नरसी रे कान में के डेरे माथे थारो गिरधर आ गयो मायरो भरण जने ओठु जावेला बाजार मुनी तो हिले कोनी और मंत्री गयो और जार कयो नरसी जी रे कान में डेरे गिरधर आयो रे हरी। ओ नरसी जी बाजार में कई करो भाई बात हो थोड़ा डेरे मत तो आई गयो मायो भरन आउन वाले होनी वो गिरधर। अच्छा नरसी जी तो पटकी ताल तान दज आगे ठोकर खाए पटकी ताल तान दज बाग्या ठोकर खाए श्वास श्वास में सांवरा कारण दौड़िया आवे श्वास श्वास पर सांवरे ने कारण दौड़िया आया भगत बचल सारे सब काम भगत बचल वाजिब है किन बहुत बरस निकल जावे और थोड़े बचपन में पड़ियोड़ी कोई सहेली आने ठे आ जावे बाप जी रहे थे रठे बार आर थोन केवे तो उधर पूछे और उधर सहेली आई है कहती 20 बरसों मिलू थाने केड़ी हालत होए हैंग भूल जाओ थे थे फटाफट उठ दौड़ तरे आई भाई आई हाल अपन भी भेड़ो होना केवो के कि नहीं केवो बस वही बात है। इतनी खुशी हुई करताल मृदंग ताल खड़ाऊ सब छोड़ दिया ऐ भूल गया कि सूर्या भी है लारे एकला दौड़ता डेरे पर पहुंच गया नरसी जी। अरे सावण आ गयो अरे सावण कठे है मने समाचार मिलिया रे तू आ गयो मैं कितो पुकारियो अरे थारी बहन नानी तो थारे वास्ते तरस रही है वा तो गेली के मैं मर जाऊं अगर तू नहीं आए तो मने विश्वास हो तू आवेला आवाजा दे रिया है अटी देखियो वटी देखियो लारले साइड देखियो आगे देखियो डेरा में दिसे नहीं गिरदारी रो साथ आरत करते रते भयो मींदत दोनों हाथ। अरे तू है कटे गेला में जू हाथ मुई आरती करे मारे हामी आऊं थारी आरती उतारनी चाहू ए सावल है कटे रे तू कटे छुपियोड़ो है जब कटे ही ना दिखियो नरसी ने चक्कर सोआवन लागो हताश होए धरती पर बैठ गया रे दुनिया वालों मारी मजाक बड़ाओ मने दुख नहीं है मारे सांवल रे नाम सु मारी क्यों मजाक उड़ाओ रे आयो कोनी रे सांवरिया। और नरसी जी रोवन लागा बड़ो भरोसो थारो रे सांवरा बड़ो भरोसो थारो रे बड़ो
शरण पूरे सावरा और कयो कठे लगाई इति देर सावरिया कठे लगाई इति देर रे कठे लगाई इति देर सावरिया अजरे 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 अरे तू ऐडा किए भक्तों रे कारज में डुबोड़ो है तने कुण बिलमायो अरे नारद सारद ने साथ ला रीति सिद्धि गणपति ने साथ ला जो जो कह रिया है भगवान लिख रिया है सबने लाऊंगा अरे बेगो आओ अरे कई थने रुक्मण बिलमायो कई सतबामा थने बिलमायो और कई तू काना में दाटो घाल दियो रे नरसिंह जी हैरान हो गया अवे क्यों को नहीं सावरिया किसे दिसावर नाटो सावरिया किसे दिसावर नाटो हाँ पहले तो तू आवतो रे माला अब कहीं पड़ गए घाटो सावरिया किसे दिसावर नाटो सावरिया किसे दिसावर नाटो हाँ नाम देव थारे मन्य ने दे दिया जिन सुचारो नाटो नाम देव थारे अरे पहले तो तू अब तोरे माला अब कहीं पड़ गयो घाटो मारी बेला आंख दुखाई बांधियो पगारे पाटो मारी बात सुनी जे कोनी के पग खोड़ा हो गया जे को पुकार रिया है नरसी जी अब सोच रिया है आवे क्यों को इतनी देर बुला रही हूं आवे क्यों कोनी और अंत में नरसी जी करुणा करण लागा समझ गया कि बुलावण रो तो एक ही रास्तो है और केवन लागा नरसी जी तेरा हो जो चाहो
बुद्धिदार दिखा रे मोहन तेरा हो चुका हो तेरा हो पहला फकीर बनाया मुझे पहला फकीर बनाया मुझे दुनिया दे रही दाना तेरे इश्क में मुझको क्या शर्माना इश्क में मुझको क्या शर्माना दीवाना हो चुका अब दीदार दिखा अब दीदार दिखा दे वो नाम सुना बेटे सुनावे तेरा दुनिया से मुखड़ा फेरा नाम सुनावे तेरा दुनिया से मुखड़ा फेरा मैं जहाँ रहूँ मैं मनमोहन जहाँ रहूँ मैं मनमोहन हर दम तुम दीदार दिखा दे वो तेरा हो चुका अब दीदार दिखा दे वो तेरा हो तेरा हो फकीर बनाया मुझे दुनिया दे रही ताना और जब सब लुट चुका हूं सब लुटा चुका हूं दीवाना हो चुका हूं रे अब तो दीदार दिखा दे मोहन तेरा हो चुका हूं रे तेरा हो चुका पुकारियो जब नरसिंह जी ने करुणा करी अरिद्वारी का मैं सूता सूता ओचकिया हरी रे हरी भगवान
जब करुण पुकार कान में गई नरसिरी सुताई झा थोड़ी देर हुई काची नींद मु भगवान या भिचक आंख खोली भिचक उठा नहीं आता क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो मिला हुआ है भाई अंतर मन की तो सुनता है हरी बाहर से तो वो केवे निके मंदिर चढ़ बोलो चाहे मस्जिद चढ़ बोलो चाहे कठो ही बोलो हाय हेलो सुने नहीं सुने पर अंतर की पुकार तो जरूर सुने और वो अंतर की पुकार जैसे ही गई काची नींद से आंख खोली राधा तो रुख मण खम्मा खम्मा ही करे अरे मोती डारा थाल भर भर आरती करे रे हरी अरे काई हरी बंदगी में चूक पड़ी अरे काची तो निंद रासू का है ओच किया हरी रे हरी अरे कच्ची नींद से किया उठ गया कोई मोरे गलती हो गई कदे हार ले मोतियारी थाली लेवे कदे किरी थाली लेवे आरती उतारे भगवान के चूक वो कहीं को नहीं मारी चूक हो ये आपरी चूक के हाँ मारे जावड़ा है के कठे के मायरो भर केरो मारी बहन नानी रो मार भगत नरसी बुलावे राधा रुक्मणी हसन लागी थेर भरे मायरो के हाँ के मम्मे ने तो खुद मारियो मम्मे ने तो खुद मारियो नोनो केड़ो बैठा तो है मामा ने तो मारियो और बहन ने अर्जुन लड़ दौड़ी सुभद्रा जी दौड़ी और मामा ने मारियो और भरे भरे मारियो मौन भेड़ी ले जाओ थोन की रीत राय था ठाको ने अरे उन दो रीत राय था अभी जा हैंग ढाए मौने तो कि नहीं मैं ही आल और थे आधी रात रखट जाओ कि मैं तो जा रही हूँ मायरो खरीदन आधी रात रह द्वारकारी बाजार मारीर मारे बाप जी वासुदेव जी री जच जन खोला ओ तो मैं थोन लुगाए ने टेम घणी लागे हूं कौन ले जो अरे टेम को नहीं लागे अरे जाओ मारे जाओ गिरदारी लाओ माहेरो मोलाए मैं तो अबार त्यार होवा माथो चोटी ना आय हरी चढ़िया हरि जी द्वारापुर रिहाट बाई रे बात जो मोल वो चढ़िया हरि जी द्वारापुर रिहाट बाई रे बात जो मोल वे द्वारकार बाजार में गया और कुबेर जी का खोलो भंडार खोल दिया भंडार पहली चिट्ठी खाट काटी सवा पच्चीस मन सुपारी सवा पच्चीस मन रोड़ी सवा पच्चीस मन लाओ कलेवा एक मेवा की बोरी हजार थान में मूदी निक दो साल दो साल कापड़ा सारा भर लिया दूची चिट्ठी सोने ना तीर सवा लाख कुंभार रे और निरानी जेठानी रे सवा लाख री चुनड़िया नरंद रे खूब सारा जित्तो लिखोड़ो नी अरे रे सोने रो भागवतियो दो भाटा सिलाड़ी सारो सारो चिट्ठियां सुना चुकी हूं और भर लिया गाड़ा डे 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 किया हुए द्वारका नगरी पूरी हुए पर गाड़ा दिखना बंद नहीं हुआ एक गाड़ा भगवान कितना होशियार जो जो चीज ही वो है थोड़ी थोड़ी बारे लटका दी कटे हीरो रा हार कटे मोती रा हार कटे कुछ कटे कुछ कटे कुछ आ जाओ फटाफट और भगवान केड़ा तैयार होया दरिया हरि जी महाजन हंदा बे सेठानिया ली नीचे साथ में दरिया हरि जी महाजन हंदा बे सेठानिया ली नीचे साथ में चांदनिया रा रथ सिंगार राधा तो लीनी संग रुक्मणी समझ गया ले ली
कहता नसी जान जन रथ जितवासी संग राधा रुक्मण। हाँ, एक पोटली लटकाई दी स्वयं कपड़ोरी, कलमा लगाई कान में पेरी पगड़ी, जोरदार भेस बनायो और रवाना होया, एडो रथ चढ़ायो, एडो रथ चलायो। इदी सीधी ने कहो थोड़ा गीत बीजा गाओ छुका सुगनोरा। और पहुंच गया कठे, कट जावनो चाहिए तो जावनो तो अंजार चाहिए तो गया कटे जूनागढ़, क्योंकि भक्तरो मजाक बनियो। पहुंचिया पनगट पर भाइयों पानी भरती है, देखे घाटे 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 ए कहीं है मायर है नरसिंह जी रो घर क्यों केरे लाए हो। ओ नानी रे भरण जावा नरसिंह जी रा, मैं तो मुनी मो भो नायडो मायर ले जावणो। अच्छा बाड़ो नरसी तो आयो लाई एडो गयो हेंगो एडियो आप हेणियो बड़े जने आप हसियो ही कोन मते मन तो घणी दया आई आ संसार रा कोतक है आ तो बलती में पूड़ो नाखे राम गुण गाऊ में थारा माने घणी दया आई लाई एक किलो गयो हुरियो न ले कोई चिड़ी रो डेडी भेड़ो गयो कोनी। ओ पहुंच गया हवेली पर और कहे नरसी जी मोए बैठी थी चूल्हे कने आवाज आई मोडियो घरे कोनी तो कटे गया नरसी जी गयो मोडियो ने भेड़ा लेर मायरो भरण गयो बेटी राम तू जाप रो भैया रे आज कोई मार देनु के देनु के कौम घड़ा बात करन टेम कोनी। अरे मैं तो मायरो लेर आया मायरो। अच्छा मायरो भरण आया। हां मायरो दौड़ तीर बाहर आई और देखे गाटाई गाटा गाटाई गाटा गाटाई गाटा भाया तू रस्तो भूलियो तो कोई नहीं के नहीं नहीं मायरो ले रही हूँ मैं मुनी मोह कोई टाइम में नरसी जी। अच्छा मैं तो कौन देखियो थे मोड़ा आया था ओ मायरो भरण जाओ। हाँ मने बेड़ी ले जाओ प्राणी तो थे नरसी जी भेड़ा क्यों कौन गया अब तो अंठा इतनी मोटी हवेली होंबे कून तो अबे आलो तो कून होंबी हमें थेठी चोखा हो बेटा रोगे। और भगवान सारे जूनागढ़ में नरसी की कीर्ति बढ़ाकर और जोरदार रथ तोड़ो। राधा रुक्मणी कह रही है अर्धी मारथ हाको प्यारे नंद कुमार मारथ हाको प्यारे नंद कुमार ओ प्यारे नंद कुमार मारे भक्तरो श्राप लग जावे समय पर नहीं पहुंचू मैं और कोई मुंह कोनी डरू लेकिन भक्तो हूं तो मोने भी संकोच रेवे भाई क्योंकि भक्ति ज मारे सरो ताज है। और कयो अबे धीमो को तो मोरा हारिया टूटे के टूटे तो टूटे मोरा कंठ दूजे के दूजे तो दूजे। अब चलो अरे धीमा नहीं हाका राधा रुक्मण ना अरे धीमा नहीं हाका राधा रुक्मण ना सुख भर सूता राधे मोड़ा रथ जूता सुख भर सूता राधे मोड़ा रथ जूता क्षण क्षण होवे छे अवार ओ राधे क्षण क्षण होवे छे अवार। अरे धीमा नहीं हाका राधा रुक्मण
घर में कदे शांति को नहीं रहे। नारायणी और हासूर हुसरोर हेंग नानी ने हका करे बोले बाप जी रे नाम उताना देवे नानी बाई तो जलरो कलसो उठायो और पहुंच गई सरवरी तीर डूब मरूं पर घर नहीं जाऊं बाबुल मने लजावे। जी भरियोड़े सरवरी पाल पर घूम रही है सोच रही है आज तो मरना ही है चाहे कुछ भी हो जाओ। और इतने में सोचियो बाप जी कयो तो हो आवेला आवेला कड़े हो कोनी बतायो मायरे री बेड़ा नेड़ी आएगी रोज रोज ताना सुनना पड़ रिया है हाथ री गागर ने रखी पाली माथे पाल माथे उब गई चढ़ कूदूं के थोड़ा टाइम रुकूं मन भरोड़ा में समझ को नहीं आ मरू के थोड़ी देर बाद मरू बाट जोइलु शायद आ जाऊं। सरवरियारी पाल खड़िया नानी नीर बहावे माँ का जाया बीर मीना कुण माँ का जाया बीर मीना कुण बात बरण ने आवे सरवरियारी पाल खड़िया नानी नीर बहावे सरवरियारी पाल खड़िया नानी नीर बहावे आंसू बहरिया रे सवरा तारे भगत री हालत देख जब वो अरबपति हो तो मारा सासरा मेहता जी कोनी कोनी करनी करता थकता आज देख धन संपत्ति लुटाई और थने अपनायो मारे बाबुल री हालत क्या हुई है पुराना दिन बाप रा याद कर रही है नानी हृदय भरीज गयो और याद करते करते नानी केवन लागी रे सवरा एक दिन मारो बोलो बाबुल अरबपति कहलायो तो एक दिन मारो बोलो बाबुल अरबपति कहलायो अनधन रावण नार गणेरा और चोर नहीं पायो थो नगर सेठ कहलायो थो अनगिनती रा नौकर चाकर अनगिनती रा नौकर चाकर याद मने सब आवे है
वहियारी पाल खड़ी आ नानी नीर महावे और कयो मैं छोटी मारो इतो लाड हो घर में आज मैं सासर में उतनी तकलीफ पा रही हूँ सांवरा और कयो रे सांवरिया लाड प्यार में पड़ी रे लाडली बड़ा घरा जब ब्याही थी बाप जी की इज्जत जावे ला क्योंकि वो थारे भरोसे आयो है सोच ले थारे कई करनो और कई नहीं करनो रुदन करते कंठ भरियोड़ो सच्चे मन हु केवन लागी रे सावरा थारे भरोसे सेठ सावरा बोलो मामूल आयो जो थारे भरोसे आयो मेरी हालत केड़ी है और सगाने महल माणिया टूटी टपरी नरसी ने और सगाने साल दुसाला फाटी गुदड़ी नरसी ने और सगाने माल मारी दा रूखी सूखी नरसी ने आ बाप जी रो अपमान मारे सुसैन को नहीं होए तो बढ़िया आठ डूबर मर जाऊं पाछी घर ना जाऊं और इतनी विकल हो गई चढ़ गई पाल रे ऊपर और पाल रे ऊपर चढ़ी कहीं देखे एक आंबारो पेड़ आंबारे पेड़ रे ऊपर एक तोतो बैठो और वो तोते ने केवन लागी अरे सुवा मारो धर्मरो भाई है तू तो मारे कोई भाई को नहीं तू मारो धर्मरो भाई है थोड़ो देखे कनी थने मारो सावल भीरो आव तो दिखे सुओ बैठो तो की ऊपर जाए
पश्चिम दिशी सामो जो भी हो। सुबह उड़िया, देखो प्रेम की भाषा तो पक्षी भी समझे। ये प्रेम में कितनी ताकत है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआर पंडित भयान कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े वो पंडित हो। एक पक्षी समझ गए, उड़ गयो और पानी की बड़ी सी टंकी पर जाकर बैठो। गांव में टंकियां हुई नी मोटी पानी भी पर बैठ गयो और पश्चिम में देख कर भाई भाई कोई तो आवे, क्योंकि झीणी झीणी उड़े रे गुलाल जमके छे जूनागढ़ रे मालगा। अरे झीणी झीणी उड़े रे गुलाल जमके छे जूनागढ़ रे मालगा। लपेड़ा रा तले से छलका मारग सू ये मारग पर कोई दौड़ तो रथ आवे मने यू लागे, क्योंकि वेग से कोई धरती पर चीज चले तो धी रज उड़न लाग जावे। मानो भगवान रो रथ धरती पर उतरियो, मां धरती स्वयं भगवान रो आपने रज कण रे द्वारा गुलाल बनाकर अभिषेक कर लियो। बोलो सावल सरकार की। और कुछ दिख रही है रथ नेड़ो आवे। सुए कयो रथ ढामे बैठा श्री गोपाल रूप निहार्यो रण छोड़ो। रथड़ा में बैठा श्री गोपाल रूप निहार्यो रण छोड़ो। हाँ एड़ो सुंदर रूप रा कोई बैठा तो है। अरे कोई साधारण तो नहीं है। आम का पेड़ कहते हैं तोता जिसमें चोंच मारता है वो फल मीठा हो जाता है, या जो मीठा फल होता है उसमें चोंच मारता है। देखो आम केड़ो होए, आम मदार खावण में वो आनंद नहीं जो आम चूसने में आनंद है। भले ही कोई झूठ बोल जाओ, चाहे बूढ़ा बडेरा और चाहे माता हो, मैं तो कहूं मैं खुद जब तक आम नहीं चूसू जब तक तो कोई आनंद ही नहीं आवे कि आम खायो कि नहीं खायो। और एक आम एड़ो है जो कदी मुंडे नहीं आवे, बाकी मीठी मीठी चीज खाओ मुंडे आई गुलगुली आवन लाग जी मुंडा। लेकिन आम जैसे जैसे चूसते जाओ वैसे वैसे मिठास बढ़ती। ए सुखदेव जी महाराज है साक्षात, क्योंकि ए कोई भी चीज में चौंच नहीं मारी अवधूत अवस्था में। पर भागवत जी का श्लोक सुनिया तो चेतन, क्योंकि आम रो फल है मारा भागवत जी। पीते जाओ चूसते जाओ, हर बार कुछ नया अंदर सुधार होता जाएगा और रस मिलता जाएगा। साक्षात सुखदेव जी गुरु मन मिल गया नानी ने और साक्षात्कार करा दियो हमारे सावल सरकार को। बोलो सावल सरकार की। गुरु बिन भाव निधि गुरु बिन भव निधि तरही ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर समान ही क्यों ना हो। कल महाराज जी कितनी सुंदर बात कही के लोखण को भी सोना पारसमणि बना सकती है। गुरु पारसमणि है, है? मार जेड़ा नहीं देख लो कटे बिठा दिया मार मा लखण है बैठने का। लेकिन गुरु चावे तो सब संभव है।
गृहस्थ में उलझी उड़ा है, कोई तो कहीं कह दो तो यहां हो जावा तुरंत। सहन शक्ति का अभाव, हर तरह का दोष ही दोष। लेकिन गुरु चाहता है तो लोखंड को भी सोना बना सकता। गुरु में वो शक्ति है जो ना कर सके परमात्मा वो गुरु कर सकता है। और आज तो जानकारी देवन बैठा हाँ कि कोई संन्यास लेता है तो वो आत्म कल्याण करता है। महाराज जी कल बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जो परोपकार और संसार के लिए कुछ करना चाहता है उनकी भी बात कुछ और ही होती है भाई। भले ही संसार आज विरोध करे चाहे साथ चले, अरे आपने तो थाने कई है भारत में, कोई एक शराब सो लागी उड़ो है कि संत जावे पछे तो पूतला गणाई पूजे लेकिन जीते जी वोरी बात समझ नहीं आवे। अब बीमारी सी है कुछ, जावे पछे तो पूतला गणाई पूछे, कई गुरु पूर्णिमा मना लई, कई मोटा मोटा हारिया चढ़ाए दई, कई भंडारा कर दई, पर जीते जी अगर बात समझ लेवे तो जो जीते जी करना चाहिए वो उनके जाने के बाद भी नहीं कर पाते, उसके बाद भी पूतले ही पूछते रह जाते। गुरु को मानने से पहले गुरु की मानो, जब तक गुरु की नहीं मानोगे को मानने से कुछ नहीं होगा। जब उसकी की नहीं मान सकते तो उसको कैसे मानोगे, फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनके बारे में भी आप कभी अच्छा नहीं सोच सकते भाई। जहां तक मेरा अनुभव, लाख बार सोचो गुरु की बुराई करने से पहले, बुराई सुनने से पहले। गुरु की निंदा करने वाले को तो ये लोक भी खराब और वो लोक भी खराब। अरे कोई समय के साथ भी गुरु की अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो परमात्मा उसके कनेक्शन में अपने आप समझेंगे। हमारी क्या योग्यता है कि हम उसकी बुराई करें, हमने तो कुछ ना कुछ दिया ही है, उन्होंने हमसे लिया क्या, हमसे लिए तो हमारे दुर्गुण लिए, हमारे दोष लिए, और कुछ नहीं लिया हमसे। हमारे दोष और दुर्गुण लेकर हमें बिल्कुल, सोना भी जब आग में तपता है तब आभूषण बनता है भाई, अंधकार होता है तभी प्रकाश होता है भाई। यही जानकारी देने के लिए तो ये आयोजन हुआ है। और जब प्रभु का आशीर्वाद लेकर होता है आयोजन तो उसका और आनंद होता है। मायरो पूरो सुनाऊं चिंता न कर जो, पर जो लक्ष्य है वो तो है कि साची बात कहता प्रीत टूटे तो टूटन दो, दाल रोटी खावते धन घूटे तो, बाकी चिंताओं नहीं करनी। क्योंकि जब तू मात गर्भ से निकला दूध कुचन में डाला रे, बालापन में पालन की ना माता मोह द्वारा रे, काहे सोच करे रे नर मन में वो तेरा रखवाला रे। रखवाला तो वो है भाई, दुनिया थोड़ी रक्षा कर सके। और जिसको इतनी सी बात समझ आ गई उसको ना किसी का डर है ना भय है। तुम किसी का बुरा मत करो, तुम्हारा बुरा कभी होगा ही नहीं। परोपकार के लिए कभी कड़वी भाषा भी कहनी पड़ जाए तो कह दो, बस किसी का कल्याण होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखोगे तो फिर अपना भी भला ही भला है। तो एक विशेष जानकारी मैं रोज कहूं, और मारी तो विनती है कि बाप जी महाराज जेठे भी हुए, त्याग मूर्ति जी महाराज और बाप जी महाराज दो ही अठे पधारे, मारो आग्रह है व्यासपीठ। और आपने एक विशेष सूचना मेरे बाद पुनः मायरा में प्रवेश, चार चार हनुमान जी के सकारात्मक मूर्तियों की स्थापना हो रही है। सकारात्मक, मैं हमेशा आपसे कहती आई हूं मूर्तियां तो बहुत लगती हैं लेकिन जब तक स्वरूप सही नहीं होगा तब तक श्रद्धा और शब्द भी सही नहीं होगा, तब तक सही श्रद्धा नहीं जग सकती भाई। और तीनों का ही अभाव है तो फिर संसार में शांति व्याप्त नहीं हो सकती। ये जगह जगह नक्सलवाद, आतंकवाद, बलात्कार, चोरी चकारी, अराजकता, ये फैलने के कारण क्या है हमारे भारत में है? कहीं शोभायमान नहीं है। देखो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और
बाप जी महाराज पिछले 27 वर्षों से इसी पर अनुसंधान कर रहे हैं कि संसार में इतनी अशांति क्यों फैल रही, इसका निराकरण कैसे किया जाए। अरे समाधान ही तो खोजना है। जब कोई बड़ी बीमारी फैलती है, कल महाराज जी ने क्या कहा, एक आध को हो जाए तो अमेरिका भी चला जाएगा, अहमदाबाद चला जाएगा, मुंबई चला जाएगा। जब पूरे गांव को होगी तो काढ़ा पिलाना पड़ेगा, काढ़ा सबके सबको कहां भेजेंगे। पूरे देश हित विश्व हित की बात करनी है। यहाँ चार चार सकारात्मक मूर्तियां लग रही है क्योंकि हनुमान जी, मैंने पहले ही कहा राम जी के काज हो चाहे अर्जुन का रथ हो, हनुमान जी के बिना तो सब अधूरा है भाई। और हनुमान जी जब तक संसार में पवन है तब तक पवन पुत्र है, क्योंकि वो तो राम राज्य की बात है भाई। जहां बाप के रहते बेटा नहीं जाता था, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में कबहु न व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा परीक्षित राज्य में कबहु न व्यापा, तो भाई अब क्यों व्यापा, क्या गलती हुई। अरे सनातन धर्म को कोई और हानि नहीं पहुंचा रहा, हम स्वयं हानि पहुंचा रहे हैं, इसके कारक हम खुद हैं। और सुधार नहीं होगा, सुधार होगा अगर गांधी जी सोचता कि सुधार हो ले कोनी तो आज ही आप अंग्रेज यार घर में बैठा भाषण मांझता, मांझता कि नहीं मांझता। पुरुषार्थ तो करना ही पड़े भाई, संसार है, कोई कुछ कहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अपने कर्म करते जाओ। तो राजा परीक्षित जी 5200 वर्ष पहले ये प्रणाली की खोज करी कि जो राम जी ने राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा नहीं होता था, पिता के रहते पुत्र की मौत नहीं होती थी, कोई भी तरह का अकाल नहीं पड़ता था, कोई भी तरह की अराजकता नहीं होती थी, तो इसका कारण क्या था। इस प्रणाली की खोज करी और इस प्रणाली को लागू किया तो उसका परिणाम क्या हुआ, जब कलयुग आया तो उसको उनके राज्य में रहने को जगह ही नहीं मिली। इतना सुंदर राज्य था परीक्षित जी का। जो भी टीवी रे माध्यम में भी सुन रिया है हमारी बात ने शांति से सुने, अमल करें। और त्याग मूर्ति जी महाराज भी आपने बतावेला ये विषय पर, एक 15-20 मिनट रो टाइम वीरे बाद पाछो आप मायरा में प्रवेश कर, सावलिया ने तो बुलावना ही छे। तो वर्णन हवे कि आ प्रणाली लागू करी जो करीब 2200 से 2300 वर्ष तक चली और सर्वत्र शाश्वत सनातन संस्कृति यूं सारा सुखी है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रणाली रो बिखराव होवन लागो और इस प्रणाली का बिखराव होने से संसार में दैहिक दैविक भौतिक सब तरह के ताप व्याप्त होने लगे। और इस प्रकृति के बारे में, प्रकृति में ही तो जब नकारात्मकता फैलती है तो सारी अराजकता फैलती है, इसका वर्णन गीता में 7वें अध्याय में 4th और 5th श्लोक में लिखा गया है। प्रकृति अष्टधा यानी 8 तत्वों की एक, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार सनातन संस्कृति के इन्हीं 3 प्रणालियों पर आधारित है। श्रद्धा शब्द और स्वरूप, भगवान को लोग श्रद्धा से जपते हैं लेकिन श्रद्धा तभी जागेगी जब कोई स्वरूप होगा। आपा कहवा नहीं माता जी मिंदर जावा नवरात्रि है तो सामने वो अष्टभुजा देवी है चाहे 2 भुजा देवी है, उसका स्वरूप तो है, तब हम मानेंगे कि माता जी है। स्वरूप नहीं होगी तो श्रद्धा कैसे जागेगी, प्राइमरी वो स्वरूप ही है। और स्वरूप के बिना श्रद्धा नहीं जागती। और फिर शब्द भी सही चाहिए, मंत्र का उच्चारण अगर गलत होता है तो परिणाम भी गलत होता है कि भार्या रक्षति भैरवी और भार्या भक्षति भैरवी, थोड़ी सी गलती हो जाए तो रक्षण करने की जगह भक्षण हो जाता है। कर्मकांड की तो भाई गलती भारी ही पड़ती है, लोग कहते हैं भाव का भूखा है भाव का भूखा है, तो कर्म कांड करोगे तो नियम तो चाहिए, कर्म कांड में गलती करोगे तो भोगनी पड़ेगी। तो स्वरूप भी सही होने चाहिए, शब्द भी सही होने चाहिए, तब वो श्रद्धा भी सही जगेगी। मैंने कल भी कहा कि वो मोबाइल सिम बैटरी और डब्बा तीनों ठीक होंगे ना तब वो देश विदेश बात करेगा, नहीं तो पहाड़े बैठे बात को नहीं कर पावे करे।
तीनों चीज सही होती है तो ये मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट आपको सात समंदर पार तुरंत बात करवाएगा। तभी तो कर्मा मीरा सब गोविंद से बातें करती थी। जैसे पहले क्या था, शुरुआत में जब स्वरूप बनाए गए तो स्वरूप क्या थे, पिंडी बनती थी। पहले ऐसी मूर्तियां थोड़ी बनती, पिंडी, कोई भी आकार गोलाकार पिंडी बनाए देवता, लिंगाकार बनाए देवता, और माता जी है पूजा कर ले उनका, पिता विष्णु जी है, शंकर जी है, राम जी है। आज भी तो वैष्णो देवी में पहले गणेश जी भी पिंडीज बनी उड़ी, वैष्णो देवी में वैष्णो माता री भी पिंडीज है। जब पिंडी होती है तो पिंडी के स्वरूप में आकृति नहीं होती, तो हाथ पैर में कुछ भी गलत सलत नहीं बनता, तो स्वरूप गलत होता ही नहीं। लेकिन आप धीरे धीरे समय में जब बदलाव आता है तो कलाकार अच्छे हुए तो मूर्तियां बनने लगी। तो मूर्ति अगर बनेगी तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब पुरुष रूप में भी बनी और स्त्री रूप में भी बनी, बनी के नहीं बनी, माता जी बनिया तो विष्णु जी भी बनिया। विष्णु जी बनिया तो देवी जी भी, लक्ष्मी जी भी बनिया, शंकर जी बनिया तो पार्वती जी भी बनिया। तो आप मैंने एक बात बताओ, यहाँ सभा बैठी और टीवी के माध्यम से भी सुन रहे हैं, माताओं के कौन से हाथ में मौली बांधी जाती है? दावा हाथ में, उल्टे। नाक कौन सी छेदन की जाती है? उल्टी, पक्की बात। आंख कौन सी फड़कती है तो शुभ होती है? बाई, हाँ, स्त्रियों की बाई आंख शुभ होती है। और स्त्री जो गर्भ धारण करती है वो बच्चादानी कहाँ होती है? बाएं भाग में। समझिए आप, स्त्रियों की सारी शक्ति उनके बाएं भाग में होती है और पुरुषों की जीवने भाग में, राइट, राइट में पुरुषों के होती है और लेफ्ट में माताओं के होती है। तो जो शक्ति होती है ना वो सर्जन का काम करती है, शक्ति सर्जन का काम करती है, शक्ति विनाश का काम करती है क्या? तो जहां सर्जन का काम होना चाहिए, जहां आशीर्वाद का काम होना चाहिए, वहां शस्त्र पकड़ाओगे तो क्या होगा? अरे अगर आप स्वरूप बनाते हो तो सही बनाओ ना, नहीं तो वापस वही लिंगाकार पिंडियां बनानी शुरू कर दो। मेरा विशेष अनुरोध है, मैं किसी का काट नहीं कर रही हूं, ना मैं खुद इतनी जानकार हूं, मैंने मेरे गुरुदेव के अनुसरण करके उनकी खोज के हिसाब से कुछ वर्ष निकाले हैं, मैंने देखा है क्या परिवर्तन होता है। मैं रटी रटाई बातें नहीं बताऊंगी,